अभी यहाँ पे जो टाइम हुआ है 5:17 हुआ है। रमजान इस जगह पे जो ये कलर्स हैं कैमरा नहीं कैच कर पा रहा, ये रेम्बो कलर्स टाइप के कलर्स होते हैं और ये इतने हसीन लगते हैं ना, जिस जगह से सूरज निकल रहा है एंड उसके ऊपर ही आपको कलर्स नज़र आते हैं। ये वो निकल आया, देखो ये देखें, ये निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप सबकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो जनाब आ गई हूँ आज आप लोगों के साथ लेके 29th रमज़ान 2022 का सनराइज़। आज आखिरी ताक रात थी और आखिरी ताक रात का सनराइज़ आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत बहुत हसीन था। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, हमने पूरा सनराइज़ जो है रिकॉर्ड किया है खड़े होके। आज के सूरज में रेस बिल्कुल भी नहीं थी। लास्ट वीडियो पे मुझसे कई लोगों ने पूछा, 27 के सूरज में बहुत तेज़ रेस थी, इतनी तेज़ थी कि मैं वहाँ पे खड़े होके बहुत ज़्यादा देर तक वीडियो नहीं बना पाई थी। लेकिन 29th ऑफ रमज़ान का जो सूरज तुलू हुआ है उसमें रेस बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं, ये बहुत स्मूथली निकला और यकीन जाने इसका एक्चुअल कलर आप लोगों के सामने नहीं आ रहा, ये ऑरेंज कलर का था। ये देखें माशाल्लाह, और ये एग्जैक्ट वो कलर आ ही नहीं रहा जो असल कलर है। इसके नीचे पहाड़ है, पहाड़ देखे नज़र आ रहे नीचे वाले हल्के हल्के से, बिल्कुल भी। इस वीडियो को बनाने में मुझे जितना मज़ा आता है ना, मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। मैं अपने मालिक का कभी भी जो है ना, वो बात सच है कि हम अपने रब का जो है शुक्र अदा नहीं कर सकते जितनी नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नज़ारा देखना इंतहाई पुरसकून होता है, बंदा अंदर तक से फ्रेश हो जाता है, भले आप सारी रात के क्यों ना जागे हुए हों। बहुत ही प्यारा बहुत ही हसीन। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये अनमोल नज़ारे होते हैं जो हर टाइम हमें नहीं नज़र आते हैं। रमज़ान जो है जा रहा है, आखिरी दो रोज़े रह गए हैं या एक रोज़ा, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। बस अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपनी खूब रहमतें बरसाएं, आमीन सुमा आमीन। दिल में एक उदासी से होती है जब रमज़ान जाता है, और जब रमज़ान के आमद होती है, जैसे कि आप लोग कह लें कि रजब के महीने से ही एक एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाती है, शाबान में वो और बढ़ जाती है, और रमज़ान आता है तो दिल में इतना सुकून और इतनी खुशी होती है कि अनबिलीवेबल। इसी तरह जब रमज़ान जाता है तो दिल उदास होता है, और अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और सबके जो है दिली मुरादों को पूरा फरमाए, सबके गुनाहों और गलतियों को माफ़ फरमा दें। और हम बहुत गुनाहगार हैं, हम नाशुक्र हैं। मैं तो जब ये वीडियोस बनाती हूँ, यकीन करें तो एहसास होता है जब आप लोग अफ्तार करते तो आप लोग महसूस करें शदीद गर्मी के मौसम में जब आपको ठंडा पानी मिलता है, या जब आप लोग कोई ठंडी चीज़ खाते हैं जैसे फ्रूट्स हैं या कुछ इस तरह, खुद दिल से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह।
क्योंकि ये सब कुछ हम नहीं कर सकते जो मेरा रब हमें नवाजता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पहाड़ों की नज़र आ रही है, ईद की आमद आमद है, ईद की अपनी खुशी होती है। और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मैंने आज बहुत दिल लगा के वीडियो बनाई है, पूरा सनराइज़ आप लोगों के लिए किया है रिकॉर्ड, और बहुत खूबसूरत सनराइज़ था, बहुत खूबसूरत। आप कह सकते हैं कि शायद आज की रात ही शबे कदर हो, क्योंकि बिल्कुल भी सूरज में रेस नहीं है। मैं इतना खड़ो के इतने ऊपर आने तक सूरज की वीडियो नहीं बना सकती, अगर सूरज तेज रेस वाला होता है या रेस वाला होता है। इसमें रेस नहीं थी, ये आपके सामने है। इसका एक्चुअल कलर ऑरेंज था, कलर ही नहीं है, जो आग वाला कलर होता है वो इसका एक्चुअल कलर था। कैमरा नहीं रिकॉर्ड कर सकता, मेरे अल्लाह की कुदरत को कैमरा नहीं रिकॉर्ड कर सकता, चाहे वो कितने ही मेगापिक्सल का कितना ही अच्छा क्यों ना कैमरा हो, मैं नहीं समझती कि वो रिकॉर्ड कर सकता। लेकिन फिर भी मैं जितना आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर सकती थी मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों के साथ पूरा सनराइज़ जो है रिकॉर्ड करूँ, और मुझे इस सनराइज़ को रिकॉर्ड करने में इतनी खुशी हो रही थी और इतना अच्छा लग रहा था ना, कि मेरा वहाँ से हटने को दिल नहीं था कि मैं बिल्कुल भी वहाँ से हटूँ। तो आप लोग मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, और जो है अपनी दुआ में मुझे ज़रूर से याद रखिएगा, क्योंकि जाते जाते रमज़ान है। मेरी सबके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला सबके रिस्क में ढेरों बरकतें डाले, ढेरों जैना हम लोगों के घरों में रहमतें और बरकतें अपनी भर दे। हमारी ज़िंदगियों में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जिस चीज़ की ज़िंदगी में जो बीमार हैं, उन सबको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और अपनी खूब ढेरों रहमतों और बरकतों से हमें नवाजता रहे। आमीन सुमा आमीन। हम लोगों की मगफरत फरमाए, क्योंकि सिर्फ देने वाली ज़ात भी एक है और हमारी ज़िंदगियाँ भी उसी की अमानत हैं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चाहे जितना भी हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। लाखों वो लोग हैं जो तकलीफ़ों में हैं, हमें उनको देख के जीना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें दुनिया जहाँ की हर नेमत हर चीज़ से नवाजा है। ये नज़ारे तरसते हैं लोग देखने के लिए। मैं जानती हूँ मैं शुरू की 3 ताक रातों की नहीं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर सकी, लेकिन मेरे मालिक का लाख लाख शुक्र है कि उसने आखिरी 2 रातों की मुझे जो है सनराइज़ देखने का मौका मिला मुझे, और मेरे अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। तो अपनी दुआओं में मुझे ख़ास कर बहुत सारा याद रखेगा, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।